हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं SFM क्वेश्चन पेपर जुलाई 21 विद सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन, ए पार्ट। तो जिस क्वेश्चन ने जो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कैपिटल बेस्टिंग, तो उसमें आपको मेंशन किया है कि हम एक यूएसए कंपनी है, वो एक इंडिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, $ मिलियंस में चल रहा है डाटा। प्रेजेंटली कंपनी कुछ एक्सपोर्ट कर रही है 2 मिलियन यूनिट्स, उसका सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है। बट वैन वी स्टार्ट सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया, या नंबर एक्सपोर्ट्स भी डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स। अब जो इंडिया में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके यूनिट्स आपको दिए हैं 5 मिलियन है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। टैक्स रेट आपको दिया है, रिक्वायर्ड रिटर्न है 12%। तो आपको रिटर्निंग करनी है NPV फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमारी क्रम है वकील जबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको हम I0 से भी शो करते हैं। तो हम इसमें करेंसी ले रहे हैं $, ये आपके चल रहे हैं मिलियन में। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको मेंशन किया है फॉर प्लांट एंड मशीनरी, जिसे 490 मिलियन, और प्लस हमें कुछ मनी इन्वेस्ट करनी है वर्किंग कैपिटल के लिए, विच इज 60 मिलियन। और जो हमारा पुराना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है एक्सपोर्ट परपज़ के लिए, जिसे 25 मिलियन, अब ये रिलीज हो जाएगा, तो ये माइनस कर लीजिए आप, -25। तो इट मीन्स हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट आ रही है जिसे 5.5 $ मिलियंस में। अब आपको प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो कितना होगा आपका फ्यूचर में, हमें लाइफ दिया प्रोजेक्ट की 5 ईयर, उसके लिए बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। डेप्टेशन हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, 5 साल की लाइफ है, तो इट मीन्स कैश फ्लो आपका सेम ही रहेगा एवरी ईयर 1 to 5 ईयर। तो फर्स्ट उसी बता रहे सेल्स, ये हमें लिए हैं 5 मिलियन यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, और उसका आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है प्रेजेंटली जिसे जबर $90। इट मीन्स सेल्स आर 450 लेस वेरिएबल कॉस्ट। 5 मिलियन यूनिट्स हैं, तो इंडिया में जो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है जैसे ₹30 पर यूनिट, विच इज 150। फिर आपकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट है कैश में, वो आपको दी है 30 मिलियन पर एनम, ये पहले ही पर एनम दी है आपको। फिर जो आपने प्रोजेक्ट स्टॉल किया इंडिया में, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है 490 की, उसके ऊपर कैपिटेशन आपको मिलेगी, इसमें कोई स्क्रैप नहीं है, 490 डिवाइडेड बाई 5 ईयर, तो दिस विल बी 98। फिर जो प्रेजेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, वो हमारा जो है अपॉर्चुनिटी लॉस बन जाएगा, उससे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी लेस कर लीजिए आप अपॉर्चुनिटी लॉस। तो उसकी यूनिट्स आपको दिए देखो 1.5 मिलियन यूनिट्स हैं, और उसका सेलिंग प्राइस है 90, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है प्रेजेंटली जब हम एक्सपोर्ट करेंगे कंट्री, जिसे जो $50, और यूनिट्स हैं आपके 1.25, तो दिस विल बी 60। तो बैलेंस विल बी अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका आ जाएगा एडिशनल प्रॉफिट जो आपको मिलेगा इंडिया के प्रोजेक्ट से बिफोर टैक्स, जिसे अवर 370 -98 -60 112। फिर आपको दिया है इंडिया में जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है 35%, माइनस कर लीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, सो बैलेंस वी गेट टू पैट -35% 72.8, और उसमें आप ऐड बैक कर दीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है कि 98। दिस विल बी अवर कैश इनफ्लो इन $ मिलियन में चल रहा है, जिसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, तो जिसे कमिंग 170.8। तो क्वाई की है सारी चीज़ें हमें इजीली दे रखी हैं क्वेश्चन में। अब आपको NPV कैलकुलेट करनी है, तो उसका टेबल बना लेते हैं।
determination of NPV. So years हैं आपके 1 to 5 year and 5 year. बाकी cash inflow US डॉलर मिलियन में ही चल रहे हैं. एवरी ईयर कैश इनफ्लो है आपका 170.8, ये कॉन्स्टेंट रहेगा. लास्ट में आपको वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी. तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वर्किंग कैपिटल में, 60 - 25, 35, ये हमें रिकवर हो जाएगी. किसी वर्किंग कैपिटल रिकवर पीवी फैक्टर आप अप्लाई कर लीजिए. ये आपको क्वेश्चन में दिया ही है 12%. तो पहले 5 सालों का कंबाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये एनयूटी फैक्टर बन जाएगा आपका 3.6048. और ये आपका अप्लाई होगा फिफ्थ ईयर का 0.5674. ये आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं पीवी फैक्टर, ये मैंने 5 सालों के ऐड कर लिए, जिसको कहते हैं एनयूटी फैक्टर. फिर नाउ यू विल गेट योर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. दिस इज कमिंग अवर 635. सो 0.5584 माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच वाज 525. बैलेंस आपकी आ जाएगी एनपीवी ने यूएस डॉलर मिलियन में आ रही है. सो जिस जो कमिंग को भी 110.10, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 56. सो सिंस एनपीवी जो पॉजिटिव, सो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर गेटिंग सम बेनिफिट. सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. सो नेक्स्ट लेकर से क्वेश्चन नंबर 1 B part. तो जिस क्वेश्चन ने जो बेस्ड ऑन हैजिंग ऑफ पोर्टफोलियो विद फ्यूचर से, तो आप देखिए इसमें BSE इंडेक्स आपको दिया है 25,000, पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है, रिस्क फ्री रेट है, गिविंग यील्ड ऑन इंडेक्स है, आपकी बीटा दिया है आपको पोर्टफोलियो का. एंड अभी एज्यूम जाके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में BSE इंडेक्स अभी तो 4 मंथ से मेच्योरिटी, तो जो BSE का इंडेक्स है उसकी मेच्योरिटी है 4 मंथ की. इट मीन्स टूडे के 0 time period. तो इंडेक्स ही आज आपको वैल्यू दी है, सपोर्ट वैल्यू इन 0 period 25,000. फिर आपको ये भी मेंशन किया है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम R से गिनोट करके 9% पर एनम. डिविडेंड यील्ड हम नॉर्मली Y से गिनोट करके 6% पर एनम. या पूरा नाम भी मेंशन कर सकते हैं. तो जिस इंडेक्स से यूज टू हैज योर पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 months एंड 1 future contract एज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 times, तो इस इंडेक्स का मल्टीप्लायर भी आपको दिया है, मल्टीप्लायर इज 50 times. सो दे आर आस्किंग नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंपल है पहला को, तो आपको प्राइस कैलकुलेट करना है इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 4 months का, जिसको हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 4 months. उसका फार्मूला होता है सपोर्ट वैल्यू कितनी है इंडेक्स की 0 period में, उसमें आप ऐड कर लीजिए अब जितनी आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी माइनस डिविडेंड यील्ड आपको जो मिलेगी परसेंटेज में है, फोर जितना टाइम पीरियड है 4 months का 4/12. ये सिंपल है, तो मीन्स ये आर मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, डिविडेंड इनकम आपकी माइनस हो जाएगी. क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू आपको दी है 25,000 प्लस 25,000 इनको आर है आपका 9% माइनस 6% इनको 4/12. देखो ये बन जाएगा 3%, 3 × 4 12/12 1%, जिसे 250, तो उसकी वैल्यू आ गई 25,250. तो बच्चे जो प्राइस क्या होगा अब एक कॉन्ट्रैक्ट का, प्राइस ऑफ 1 contract. अब इसका मल्टीप्लायर किया है 50 times, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं 25 × 50 × 50 times. देखिए 25 × 50 × 50, तो देखिए कमी को भी 1262500. तो थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट. अब इस फ्यूचर को आपने यूज करना है, को है जो वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 months. फिर सेकंड पार्ट में पूछा है बट विल यू गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर सर. एक में सर पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए हम फ्यूचर को सेल करेंगे और उस फ्यूचर में कितना गेन हो रहा है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे बटी जबर हैज रेशो. हैज
एक्यूरेसी होती है कि आपको नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने एंकर करने हैं टू कवर रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो एक्यूरेसी मीन्स नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वे एंकर टू कवर 100% रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो उसका फार्मूला ये होता है कि आपका बीटा कितना है पोर्टफोलियो का, इनकू वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, और एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, एफ कितनी है आफ्टर टाइम पीरियड की, जैसे आपको दिया है। तो आप देखिए आपको बीका भी दिया है क्वेश्चन में 1.5 है, पोर्टफोलियो की वैल्यू भी दी है 50,50,000 है आपकी, और एक फ्यूचर की वैल्यू है आपकी 1,262,500। तो उसको सोल्व करके आ रहा है हमारा 6 कॉन्ट्रैक्ट्स, इट मीन्स आपने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स अब एंटर करने हैं अपना पोर्टफोलियो रिस्क कवर करने के लिए। पोर्टफोलियो होता है आपने मनी इन्वेस्ट कर रखी है, तो हम रिस्क कवर करने के लिए फ्यूचर को सेल कर रखे हैं। अब वही उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में कि आपको कितना गेन होगा फ्यूचर्स में। अब आपको उसकी वैल्यू दिया इफ़ इंडेक्स करंस आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ्स, इट मीन्स अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स। अब देखिए बकरी की सेल प्राइस ऑफ फ्यूचर्स, तो सेल प्राइस है आपका 25,250, ये हम ले रहे हैं गेन फ्यूचर्स आफ्टर 4 मंथ्स। तो हमने जो पोर्टफोलियो है उसको हैज किया है 4 महीने के लिए। अब इस फ्यूचर को हम बाय करेंगे, अब उसका बाइंग प्राइस आपको दिया है आफ्टर 3 मंथ्स लेस आप कर लीजिए बाइंग कॉस्ट। ये देखो आपको आफ्टर 3 मंथ्स दिए है 22,500, तो इसको लेके जाइए आफ्टर 4 मंथ, उसमें 1 महीने का इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है और डिविडेंड इनकम वो आपने एडजस्ट करनी है। इट मीन्स 22,500 में हम ऐड करेंगे अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी 9%, डिविडेंड इनकम है 6%, कितने टाइम के लिए 1 मंथ के लिए। गैनू सी बटी जो प्राइस, जिस प्राइस इज कमिंग 22,500 प्लस 22,500 इनकू जिसे 3% फॉर 1 मंथ डिवाइडेड बाई 12 जिसे 56.25। उतनी जो बाइंग कॉस्ट बनेगी आपकी जिसे बिकमिंग 22,556.25, ये आप लेस कर लीजिए। तो दिस विल बी गेन इन द शॉर्ट फ्यूचर्स, ये आपका गेन आ रहा है इन द शॉर्ट फ्यूचर। सो दिस वन इज कमिंग सो माइनस 25,250, तो दिस इज 2,693.75। ये सिंगल इंडेक्स है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लायर है 50 टाइम्स, और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने एंटर किए हैं 6 कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको 6 कर लीजिए, तो दिस विल बी टोटल गेन। ये आपका टोटल गेन आ जाएगा रुपीज में। सो इनको 50 × 6, तो दिस गेन इज कमिंग रुपीज 108,125। एक बार जो नॉर्मल क्वेश्चन कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिल सकते हैं, जहाँ तक आपका ठीक है 100% करेक्ट है यू विल गेट 100% मार्क्स, 1 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फर्स्ट सी पार्ट स्टेक स्ट्रेटजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स है लेगेसी दिस वन। सो इन दिस केस वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रेटजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स लेगेसी दिस वन। ब्रीफली आपको मेंशन करना है वकील की स्ट्रेटजी एक डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, 3 हायरार्की लेवल्स हैं हमारे, कॉर्पोरेट लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट होता है हमारा टॉप लेवल जिसे मिडिल लेवल एंड जिसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल में मेन ऑब्जेक्टिव है टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर कंसीडरिंग सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, उसमें हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड टैक्टिकल लेवल में ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव गोल ऑफ बिजनेस यूनिट मीन्स पर्टिकुलर सेगमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेन प्रोडक्ट मार्केट पावर। फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव है टू अचीव
ऑब्जेक्टिव मीन स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करती है कंपनी टू अचीव कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस सो इन R&D मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, तीन लेवल्स हैं जो आपको स्पेसिफाई करने हैं, तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर से क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड विद अवर पोर्टफोलियो हैजिंग विद फ्यूचर्स। तो आपको देखो देखा गया है मिस्टर एक्स इज हैविंग ए पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ ₹170 लाख एट करंट प्राइस एंड कैश ₹30 लाख। बिक ऑफ शेयर पोर्टफोलियो 1.6 एंड आफ्टर 3 मंथ्स शेयर प्राइस ग्रोप जो बाई 3.2%। सो यू हैव टू डिटरमिन करंट पोर्टफोलियो बिका क्या है आपका एंड पोर्टफोलियो बिका आफ्टर 3 मंथ्स इफ मिस्टर एक्स ऑन करंट गेट गोल फॉर लॉन्ग पोजिशन ऑन ₹200 लाख इन निफ्टी फ्यूचर्स। को पहले देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है और उसका बिका क्या है। नंबर वन, मतलब जो करंट पोर्टफोलियो बिका, क्योंकि पोर्टफोलियो बिका हम शो करते हैं बिका ऑफ पोर्टफोलियो, कैसे को वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, इनको उसका बिका कितना है, जैसे पोर्टफोलियो में कितने सिक्योरिटीज हैं उनकी वैल्यू उसका कर लीजिए समेशन और डिवाइड कर लीजिए टोटल वैल्यू से। इसमें देखो हम एक टेबल ड्रा करते हैं, इसमें पोर्टफोलियो में हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, एक तो आपको शेयर से दे रखे हैं और एक है आपके पास कैश का बैलेंस, उसकी वैल्यू दी है आपको ₹ लाख में। शेयर्स की वैल्यू है आपके पास 170 लाख, कैश का बैलेंस है आपका 30, मीन्स टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी समेशन ऑफ वैल्यू, जैसे कि 200 लाख। फिर आपको बिका दिया है, बिका ऑफ ईच एसेट, शेयर का बिका है 1.6, कैश देखो क्या लिक्विड कैश है आपके हैंड्स में, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो उसका बिका 0 होता है, ये मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, पर हमें अपने आप ही डिटरमिन करना है। अब आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए बीका से, वैल्यू इनको बीका, जैसे 1.7 के इनको 1.6, जैसे कमिंग 2.72 एंड किसी 0, तो ये आपका टोटल आ जाएगा समेशन 2.72। अब आप बीका कैलकुलेट कर सकती हैं, बीका पोर्टफोलियो समेशन ऑफ बीका इनको वैल्यू 2.72 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 200, तो करंट बीका है आपका 1.36। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी बीका आफ्टर 3 मंथ्स। अब इसमें अब आप एंटर कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन ऑन ए निफ्टी फ्यूचर्स। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन में आपको दिया है आफ्टर 3 मंथ्स, एक को आपको ये दिया कि 3 मंथ्स के बाद जो शेयर का प्राइस है वो फॉल कर जाएगा, वो हमें दे रखा है परसेंटेज फॉल इन शेयर प्राइस, जिसे जो 3.2%, और बीका दे रखा है आपको शेयर का बीका आई लेकर से 1.6। तो बीका का फार्मूला देखो क्या होता है, बीका का फार्मूला होता है बीका ऑफ शेयर इज परसेंटेज चेंज इन द शेयर प्राइस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट इंडेक्स, या जिसको हम मार्केट पोर्टफोलियो भी कहेंगे। तो बीका है आपके पास चेंज इन शेयर प्राइस है, तो मार्केट इंडेक्स में कितना चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका, इट मीन्स अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी परसेंटेज चेंज यहाँ पे हो रहा है हमारा फॉल इन मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स में कितना फॉल हो रहा है आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके परसेंटेज इन शेयर प्राइस है 3.2% और बीका है 1.6, जैकि कमिंग 2%। ये हमने किस लिए कैलकुलेट किया है, क्योंकि अब हमने लॉन्ग पोजीशन एंटर किया है निफ्टी फ्यूचर्स में, इट मीन्स वी हैव लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स, ये आपने बाई किए हैं एट स्पॉट ₹200 लाख, तो फ्यूचर्स आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो जब आप बाई कर रहे हैं और 3 महीने के बाद देखेंगे इसकी पोजीशन, तो उसमें आपको 2% का लॉस हो जाएगा,
So there is the lows in the futures. जितना price fall हो रहा है हमारा after 3 months. How much is 200 lakhs का 2%. रुपये 4 lakh का हमें लॉस हो जाएगा. ये लॉस हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि उससे कैश का बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा. नाउ यू सी व्हाट इज द न्यू कैश बैलेंस आफ्टर 3 months. तो आपके पास का प्रेजेंटली 30 lakh माइनस 4 ये रह जाएगा आपका 26. ऐसे आप निकाल कैलकुलेट कीजिए न्यू वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर 3 months. शेयर की वैल्यू भी 170 उसमें भी फॉल है आपका 3.2% माइनस 3.2%. तो उससे शेयर की वैल्यू आ जाएगी आपकी जैसे 170 माइनस 3.2% 164.56. तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर लीजिए ये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी आपके 3 months से जिसे न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 months. सो हाउ मच प्लस 26 जिसे कमिंग 190.56. पुराना पोर्टफोलियो का आपका 200 lakhs को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे कंपेयर करके कितना चेंज आ रहा है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू. तो नाउ यू गेट व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 months. तो पहले था जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 200 नाउ की 190.56 डिवाइड द ओरिजिनल वैल्यू 200 × 200. दिस विल बी अवर चेंज 4.72%. अब आप अपना रिवाइज बीका कैलकुलेट कर सकते हैं गैरासनी बकली पोर्टफोलियो बीका आफ्टर 3 months. बीका का ये फार्मूला है शेयर के प्राइस में कितना चेंज आया है और शेयर मीन्स यहाँ पे क्या है पोर्टफोलियो और मार्केट इंडेक्स में कितना चेंज है आपका वो आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो वट विल बी न्यू बीका ऑफ आफ्टर 3 months. ये फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट इंडेक्स. देखो आपका पोर्टफोलियो में चेंज आ रहा है 4.72. मार्केट का चेंज था 2% आपने कैलकुलेट किया था. तो दिस विल बी अवर न्यू बीटा सो डिवाइडेड बाय 2.36. तो नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन सेकेंड बी पार्ट. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड कॉपी कीजिए इंटरेस्ट रेट स्वैप. इसमें देखो आपको मेंशन किया है पी लिमिटेड का डीलर कॉस्ट ऑल इन कॉस्ट फॉर ए जेनरिक स्वैप है 6% अगेंस्ट 6 months लिबोर फ्लैट. कुछ में जगह फिक्स्ड रेट स्वैप में एंटर करके हैं उसका रेट है 6% अगेंस्ट लिबोर ये हो गया फ्लोटिंग रेट. नोशनल प्रिंसिपल है स्वैप का अमाउंट ₹1 lakh. इट मीन्स स्वैप का अमाउंट दिया है ₹1 lakh और फिक्स रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6% और जो फ्लोटिंग रेट है आपका जैसे गिवन लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट मार्केट में जो भी रेट चल रहा है. तो फर्स्ट पे रास्ते हैं कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट. तो ये कि आप फिक्स्ड रेट पे कर रहे हैं तो उसकी सेमी एनुअल मीन्स 6 महीने की कितनी पेमेंट बनती है आपकी सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट. गैप विल बी रुपीज 1 lakh के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 6% 6 months का मीन्स 3%. तो गैप अमाउंट के लिए रुपीज 24,000 क्वाइट सिंपल. सेकेंड पॉइंट देयर आस्किंग फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबव इफ 6 months पीरियड फ्रॉम द फैक्ट्री डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइज 181 days. देखिए आपको फ्लोटिंग रेट पे करके हैं तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें जो इफेक्टिव टाइम है 181 days है और इनको कॉरस्पॉन्डिंग लिबोर का रेट है वो है 5%. अब एक आपको और मेंशन किया है क्योंकि स्वैप की टर्म्स हैं 30/360 डेली बेसिस. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फ्लोटिंग रेट पेमेंट. फ्लोटिंग रेट पेमेंट
जैसे कि ₹1,00,000। अब जो फ्लोटिंग रेट है लिबोर वो आपको दिया है 5%। अब जो टाइम पीरियड है वो हमें ना गेज में दिया है 181 गेज, टोटल गेज है 360, तो आपको लेना है 181 गेज डिवाइडेड बाई 360। एंड यार आस्किंग कंसीडर कीजिए आप आपको 3 डेसिमल प्लेस है अमाउंट का, हम 3 डेसिमल तो शो करेंगे। सो 1,00,000 इंटू 5% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 360 जिसे जो 20,111.111। नंबर थर्ड पॉइंट यार आस्किंग इन क्वेश्चन नंबर सेकंड अबाउ इफ सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस हाउ मच द फिक्स रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर, तो फिक्स रेट पेयर कितना पे करेगा। इट मीन्स अगर फिक्स रेट में आप एंटर करके ये पे करेंगे ये हमें रिसीव हो जाएगा। इट मीन्स अब आपको कैलकुलेट करनी है नेट पेमेंट बाय फिक्स रेट पेयर। उस केस में आपको पे करना पड़ेगा फिक्स रेट ₹24,000 और आपको रिसीव हो जाएगा फ्लोटिंग रेट 20,111.111। तो नेट अमाउंट ये आ जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा, इसको माइनस करके आपका नेट अमाउंट आ जाएगा विच इज कमिंग टू बी ₹3,888.119। आपको 3 डेसिमल आपने शो करने। तो इस बार सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन सी पार्ट। सो वी हैव टू डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ वैल्यू एक्यूरेसी, दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लाइक अ सी। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड सी पार्ट वी हैव टू डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ वैल्यू एक्यूरेसी वेयर, दिस इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स वेरी सिंपल लाइक अ सी। फीचर्स ऑफ वेयर नंबर वन एक है जो कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, टाइम होरिजन कितने टाइम का रिस्क हम मेजर करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल नॉर्मली हम लेते हैं 95% और 99% एंड नॉर्मेलिटी। सेकंड है स्टैटिस्टिकल टूल एक बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर थर्ड एक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस इज प्रेडिक्टेड। फोर्थ फीचर है कंट्रोल रिस्क बाय सेटिंग लिमिट्स फॉर मैक्सिमम लॉस, लिमिट्स होते हैं अपर एंड लोअर लिमिट। एंड गैग स्कोर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ए स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन और एसेट और पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर 3 ए पार्ट इसमें देखिए आपको डाटा दिया है ऑफ आर के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। डिबेंचर्स का अमाउंट ₹1,000,000 में चल रहे हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, सरप्लस हैं, रिजर्व बैंक सरप्लस, टोटल एसेट्स हैं। एंड यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ आर के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं डाटा से। वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ आर के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। रुपीज आपके चल रहे हैं इसमें मिलियन में, तो फर्स्ट आइटम आएगी आपकी सेल्स, उसके लिए आपको दे रखे हैं टोटल एसेट्स हैं, एसेट टर्नओवर के लिए एसेट टर्नओवर ओवर होके सेल अपॉन टोटल एसेट्स, उतनी सेल्स आ जाएंगी आपके एसेट्स इनको एसेट के टर्नओवर रेशो विच इज 600:1.1। तो सेल्स आपकी आ गई 660। फिर इसके ऊपर हमें दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है EBIT। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा EBIT। तो जिस ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10% ऑन सेल जिस इज 10% दैट विल बी 66। अब इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें 2 आइटम्स दिए हैं डिबेंचर्स हैं बॉन्ड्स हैं 8% 10%, पर उसकी डेट ऑफ इशू मेंशन नहीं की, उन दोनों को हमें दे रखा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% मीन्स एवरेज। टोटल अमाउंट है डिबेंचर और बॉन्ड का 175, ये हम लेंगे 175 इंटू 8%। तो जिस इंटरेस्ट रेट कमिंग टू बी अवर 14, तो उसको लेस करके आ जाएगा बैलेंस आपका PBT जिसे जो 52।
उसमें से लेस कीजिए आप कॉरपोरेट टैक्स रेट है आपका 40% माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, तो बैलेंस हो गया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, तो 52 माइनस 40% 31.2। उसमें से फिर हम प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो हम इक्विटी डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशो 16.67% ऑफ दिस प्रॉफिट, 16.67% 5.2, तो बैलेंस आ जाएगा आपका रिटेन प्रॉफिट जो आपने रिटेन किया, तो दिस इज कमिंग 26। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड ईयर आस्किंग व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, फिर आपको कैलकुलेट करनी है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, इसको हम स्मॉल जी से भी शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है रिटेंशन आपका कितना है, रिटेंशन रेशो इनटू आरओई, तो आरओई होती है प्रॉफिट कितना है इक्विटी के लिए और उसकी कितनी रिटर्न है परसेंटेज में, तो लेटेस्ट कैलकुलेट रिटेंशन होती है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। तो पहले आरओई कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट इक्विटी का 31.2, इक्विटी हमें गई है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल लीजिए 400 × 100, सो दिस आरओई इज कमिंग 7.8%। अब देखो रिटेंशन रेशो है, डिविडेंड पे आउट रेशो है 16.67, सो रिटेंशन रेशो बन जाएगी आपकी 83.33%, उसके ऊपर रिटर्न है आपकी 7.8%, दिस विल बी अवर ग्रोथ, सो दिस ग्रोथ इज कमिंग 6.5% सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। फिर सी थर्ड पॉइंट मैंने पूछा है फाइंड आउट फेयर प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो थर्ड आपको कैलकुलेट करना है फेयर प्राइस ऑफ शेयर मीन्स वैल्यू शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसका फार्मूला होता है करंट डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन के माइनस ग्रोथ, तो देखो डिविडेंड आपका कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल इक्विटी डिविडेंड है आपका 5.2 रुपीज़ मिलियन ही चल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके 100/10 रुपीज़ का शेयर है जिसे 10 मिलियन, तो डिविडेंड देखिए 0.52, तो बुक कर रखे हैं डिविडेंड 0.52, ग्रोथ आपने कैलकुलेट किया 6.5% 1.065, के रिक्वायर्ड रिटर्न बाई इन्वेस्टर्स ये आपको दिया क्वेश्चन में 15% माइनस 0.065, तो सोल्व करके आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी शेयर की, सो दिस वैल्यू इज कमिंग रुपीज 6.52। फोर्थ पॉइंट ये रास्ते में एडवाइस वेदर शेयर इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, फिर आपको डिसीजन लेना है, तो फोर्थ पॉइंट आपको कंपेयर करना है सिंस फेयर प्राइस जो V0 है आपका 6.52 एक लेस देन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये आपको दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में ₹14, तो मार्केट प्राइस आपका ग्रेटर है इंट्रिंसिक वैल्यू से, सो देयरफॉर शेयर इज ओवर प्राइस्ड, आपका आंसर आ जाएगा शेयर इज ओवर प्राइस्ड, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ है सो मेनी टाइम्स। तो नेक्स्ट लेटेस्ट ये क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉरेक्स एंड इट इज रिलेटेड विद इनवॉइसिंग ऑफ इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, तो उसमें देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है ₹10 मिलियन का एक्सपोर्ट है, ₹5 मिलियन का इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट्स रिलाई होंगे 3 मंथ्स में, इम्पोर्ट्स की पेमेंट करनी है 6 मंथ्स में, और आप जो अपने प्राइस फिक्स करने हैं उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, 3 करेंसी हैं डॉलर यूरो और पाउंड्स, और तीनों करेंसी हमारी प्रीमियम पे चल रही हैं, प्रीमियम की परसेंटेज भी आपको दे रखी है डॉलर 7%, यूरो 6% एंड पाउंड 5%, और स्पॉट रेट आपको दिए हैं, तो आपको एडवाइस करना है विच इनवॉइसिंग इज बेटर, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट का पैसा जो आपको मिलेगा आपके 3 मंथ्स उसको हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए आपके 6 मंथ्स, क्योंकि अब एक्सपोर्ट की करेंसी जो मिलेगी आपको उसको आप होल्ड कीजिए बिकॉज फॉरन करेंसी जाके प्रीमियम, लेकिन आप सेल करके हैं तो उसमें लॉस होगा, तो बेटर है कि आप उसको होल्ड कीजिए, तो इसमें बेसिक पॉइंट ये है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो आपको रिलाई होंगी रिलाइज्ड आफ्टर 3 मंथ्स वो भी रिटेन, उनको आपने रिटेन करना है टिल 6 मंथ्स तक, ऑब्जेक्टिव है टू मेक पेमेंट
4 इंपोर्ट्स, उससे फिर आप इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं एंड रिलाई कर लीजिए नेट अमाउंट, रिलाइज नेट अमाउंट एट फॉरवर्ड रेट आफ्टर 6 मंथ्स। अब प्रीमियम पे चल रही है करेंसी तो नेचुरली फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं जो करेंसी को अपनी इन्वाइसिंग कैसे करनी है। तो पहला केस ले रहे हैं हम, नंबर वन देखिए हम इन्वाइसिंग करके हैं इन्वाइस इन डॉलर, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे पहले डॉलर का 6 मंथ्स का रेट। लेकेसी सपोर्ट पोजीशन क्या है आपकी और 6 मंथ्स के बाद क्या पोजीशन होगी, 6 मंथ्स में आपका प्रीमियम चल रहा है इसमें फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो सपोर्ट देखो आपको रेट दिया है रुपीज पर डॉलर, सपोर्ट रेट है आपका 67.20 बिग एंड ऑफर। उसमें प्लस कीजिए प्रीमियम 7% है पर एनम, उसमें प्रीमियम प्लस कीजिए 7% पर एनम है, 6 मंथ्स का बन जाएगा 3.5%, तो उससे आपके 4x रेट्स आ जाएंगे जिसे जो 69.4485 ये बिग रेट आ जाएगा एंड ऑफर रेट 69.55। अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स की कितनी वैल्यू है, एक्सपोर्ट आपने किया रुपीज 10 मिलियन मीन 100 लाख, उसको इन्वाइस करेंगे हम डॉलर्स में। जब डॉलर मिलते हैं हमें एक्सपोर्टर को वो हम सेल करते हैं एक ही बिल बाय एक्ट बिग रेट, उसको डिवाइड किए 67.10 से। अब ये डॉलर्स आपको मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ्स, सो यू कैन सी हाउ मेनी डॉलर यू रिसीव, जिस यू आर रिसीविंग 149.031.297। यानी सी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, उसकी वैल्यू है रुपीज 50 लाख 5 मिलियन है। इम्पोर्ट को आपने पेमेंट करनी है डॉलर्स में, तो हम बाई करेंगे एक ही भी सेलर ऑफर है उसको ऑफर ऐसे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है डॉलर्स में आफ्टर 6 मंथ्स 74.404.76। तो नेट आपको अमाउंट रिलाई हो जाएगा डॉलर्स में, तो नेट अमाउंट जो आपको डॉलर्स में मिल रहा है सो किसी कमी 74.626 0.54, इसको कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज में। अब ये डॉलर्स हम सेल कर लेंगे एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर 69.4485, तो ये आपकी नेट रिसीट्स आ गई रुपीज में। सो जिस अमाउंट की कमी 51.82.701.26 ये आपके रुपीज में आ जाएंगे। तो नेट रिसीव जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वो आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है यू कैन फिक्स प्राइस या इनवाइस इन यूरो, सेकंड ऑप्शन है यदि आप इनवाइसिंग करके हैं इन यूरो। लेट्स सी व्हाट इज स्पॉट पोजीशन एंड आफ्टर 6 मंथ्स, तो स्पॉट आपका रेट है रुपीज पर यूरो का, तो जिसे गिवन 63.15 एंड 63.20, ये भी देखो यूरो प्रीमियम पर चल रहा है 6%, तो 6 मंथ्स का मन जाएगा 3%, तो उसमें प्लस कर लीजिए 3%, तो आपका 6 मंथ का 4x रेट आ जाएगा रुपीज पर यूरो। तो जिस रेट की कमी 65.096। तो लेके सी वक्त भी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, स्पोर्ट वैल्यू बन जाएगी रुपीज 100 लाख मीन्स 10 मिलियन डिवाइडेड बाई बिग रेट है आपका 63.15, ये आपको मिलेंगे यूरो आफ्टर 6 मंथ्स हम रिलाइज करेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है यूरो में 158.353.5
128 लेस कर लीजिए आप इम्पोल्स की जो आपको पेमेंट करनी है, इसकी वैल्यू है ₹50 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे स्पॉट बिग रेट 63.20, कितने यूरो की आपकी पेमेंट करनी है फॉर इम्पोल्स से, इसे 73.93.924। तो नेट अमाउंट आपको रिलाई होगा नेट रिसीट्स, ये आपकी यूरो में आ रही हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। तो नेट रिलाइजेशन है आपकी 85.239, सो 0.204। इनकू सपोर्ट अब आपका 6 मंथ्स का फॉरवर्ड एक है 65.045, दिस विल बी अमाउंट रिलाइज इन रुपीज। सो दिस अमाउंट इज 55,44,384। तो प्रीवियस अमाउंट से ये आपकी ज़्यादा अमाउंट है। थर्ड ऑप्शन है कि आप इन्वाइस कर सकते हैं पाउंड में। पाउंड में जिसलिए आपको स्पॉट रेट लिया है 88.65 रुपीज पर पाउंड, 88.75। ये भी प्रीमियम पर चल रहा है 5%, तो 6 मंथ्स का प्रीमियम बन जाएगा 2.5% प्रीमियम, वो ऐड हो जाएगा। तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा रुपीज पर पाउंड, सो दिस रेट इज कमिंग 90.8663 एंड 90.9688। तो आप देखिए स्पोर्ट में एक्सपोर्ट्स से कितना अमाउंट रिलाई होगा पाउंड में 88.65, इम्पोर्ट बन जाएगा 88.75। दिस विल बी पाउंड्स जो आपको रिसीव होंगे और ये आपको पेमेंट करनी है पाउंड्स में। सो दिस अमाउंट इज 112.803। सो 0.158 पेमेंट है आपकी 56.338। सो 0.028 ये आपका नेट अमाउंट आ जाएगा जो आपको रिसीव होगा पाउंड में आफ्टर गेस्टिंग इम्पोर्ट पेमेंट। सो दिस अमाउंट इज 56.465। सो 0.13 इसको कन्वर्ट कीजिए रुपीज में 90.8663, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी नेट अमाउंट रुपीज 51,30,777.44। जिसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, व्हेन प्राइसिंग वाज डन इन यूरो, दैट इज अवर बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट, वी हैव टू एक्सप्लेन रिस्क मैट्रिक्स ऑफ ईच स्टेज ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। किसी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स हैं, लेकिन सी को अपने इस तरीके से रिस्क मैट्रिक्स ड्रॉ करना है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में, उसकी स्टेज मैंशन करके और उसका रिस्क लेवल हमने बता देना है। तो पहली स्टेज है सीग फाइनेंस, उसमें रिस्क है हमारा स्ट्रीम, यानी कि स्टार्टअप फाइनेंस यानी कि वेरी हाई। फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंस हाई रिस्क, सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंस सफिशिएंटली हाई रिस्क, थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंस मीडियम रिस्क, ब्रिज फाइनेंस लो रिस्क, एक्विजिशन फाइनेंस वेरी लो रिस्क। देखिए अपने सभी स्टेज मैंशन कर दी हैं, पूरे 4 में से 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, किसी जो बेस ऑन इफेक्टिव यील्ड ऑन म्यूचुअल फंड से। तो इसमें आप देखिए आपको 3 स्कीम्स लिए हैं म्यूचुअल फंड की, ABC, उनके बेको इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, NAV है, डिविडेंड है, आपको इफेक्टिव यील्ड पर एनम कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड है टोटल 365 डेज। तो लेके सी वन बाई वन स्कीम ए, तो स्कीम ए में देखिए आपको पहले देखते हैं इसका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी फ्रॉम 1 December 2018 टू 31 March 2019, किसी बिकमिंग 121 डेज। अब कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बोथ
टोटल मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपीज, और उस टाइम आपकी जो एन ए वी थी जिस वक्त 10.50, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे आपके, टोटल यूनिट्स आ रहे हैं आपके 47619.05। फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है इस पीरियड में, तो आप डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट। टोटल डिविडेंड वी आर रिसीविंग 9500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स 47619.05। डिविडेंड आ रहा है आपका 0.1995। अब आप रिकरेंट देखो कैलकुलेट करनी है आपने, बटल जो इफेक्टिव रिकरेंट पर एनम, वैसे रिकरेंट का फार्मूला होता है डिविडेंड जितना आपको मिल रहा है प्लस एन ए बी में जितना आपको चेंज आ रहा है, एन ए बी आफ्टर 1 पीरियड माइनस एन ए बी इन 0 पीरियड अपॉन एन ए बी इन 0 पीरियड। पर ये जो रिकरन आएगी जितने टाइम के लिए आपने मनी इन्वेस्ट की है, पर हमने इसको कन्वर्ट करना है एनुअल में, तो इसका फार्मूला बन जाएगा जितने नंबर ऑफ डेज हैं 365 डिवाइडेड बाय जितना टाइम पीरियड है आपका की। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं देखो क्या फार्मूला बनेगा। डिविडेंड है आपका 0.1995, क्लोजिंग एन ए वी साल के एंड में है आपकी 10.40, ओपनिंग है आपकी 10.50 अपॉन 10.50 इंटू 100 इंटू 365 अपॉन 121। तो ये आपकी एनुअल रिटर्न आ जाएगी, जैसे 0.1995 सो प्लस 10.4 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाई 10.5 इंटू 100 तो 0.9476 है, ये है 121 की, इसके इंटू कर लीजिए 365 डिवाइडेड बाय 121, जिसकी कमिंग 2.86%। ये आपकी इफेक्टिव रिटर्न है पर एनम। सिमिलरली लेट अस सी स्कीम बी। तो स्कीम बी में देखिए डाटा सेम ही है, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, ये बन जाएगा 90 डेज। तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने मनी इन्वेस्ट किया है इसमें 10 लाख रुपीज, और उस टाइम आपकी एन ए बी थी 10, तो इट मीन्स यू गेट 1 लाख यूनिट्स। डिविडेंड आपको मिल जाएगा टोटल 15,000, उसको आप डिवाइड कीजिए यूनिक से 1 लाख से, किसी कमिंग 15 पैसा पर यूनिक। फार्मूला सेम है, पुट कर रखे हैं 15 पैसा आपका डिविडेंड है। अब क्लोजिंग एन ए वी आपको मिल जाए 10.10, ओपनिंग थी आपकी 10 अपॉन 10 इंटू 100 इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज हैं आपके 90, उससे आपकी इफेक्टिव रिटर्न आ जाएगी 10.139%। तो सिमिलरली वी हैव स्कीम सी। स्कीम सी में देखिए आपका पीरियड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, या फिर भी नंबर ऑफ डेज 31 डेज। आपने मनी इन्वेस्ट किया 5 लाख, एन ए बी सी उस टाइम 10, यूनिट्स हैं आपके 50,000, डिविडेंड आपको मिल रहा है इसमें 5,000 अपॉन 50,000, सो पर यूनिक है आपका 10 पैसा। तो पुट कर रखे हैं 10 पैसा आपका डिविडेंड है। क्लोजिंग एन ए वी है आपकी 9.8 माइनस ओपनिंग की 10 अपॉन 10 इंटू 100 इंटू 365 अपॉन 31। इसमें देखिए लॉस जा रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इफेक्टिव लॉस आपका पर एन में आ रहा है, माइनस में हम लिख सकते हैं जैसे 11.774%, इट मीन जिस पर निकल लॉस। तो हाइएस्ट रिटर्न आपको मिलेगी स्कीम बी में, जैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 टू बी पार्ट। सो जिस क्वेश्चन ने बेस्ड ऑन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, तो आपको कन्वर्टिबल बॉन्ड की फेस वैल्यू भी है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे 20, कूपन डेट है, मार्केट प्राइस है पर शेयर, मार्केट प्राइस है कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड स्ट्रेक वैल्यू बॉन्ड। स्ट्रेक वैल्यू होती है बॉन्ड की नोट कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी बाकी किस वैल्यू। तो आपको 4 आइटम्स कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो सबसे पहले आते हैं कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू होती है जितने शेयर्स आपको मिलेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, इट मीन्स यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन इंटू कर लीजिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर,
ये आपको दिए 20 शेयर्स आपको मिलेंगे और मार्केट प्राइस है शेयर का इसमें जैसे जो 120, तो आपकी कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी रुपीज 2400। सेकेंड ईयर आज परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रेस्यो, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रेस्यो इसका मतलब होता है डिग्री आपका बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है फिर आपको उसको रिडीम करना पड़ेगा मैच्योरिटी पे, तो उस टाइम कितनी वैल्यू मिलेगी स्ट्रेक वैल्यू, तो उसमें कितना लॉस हो सकता है, तो फार्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड माइनस स्ट्रेक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं डाउन साइड रिस्क डिवाइडेड बाई स्ट्रेक वैल्यू इंटू 100। तो आप देखिए मार्केट प्राइस आपको दिया है क्वेश्चन में ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड 2650, स्ट्रेट वैल्यू भी आपको मेंशन किया है 2350 डिवाइडेड बाई 2350 इंटू 100। तो आपने जगह इतने का बाय करके मार्केट से तो आपको स्ट्रेट वैल्यू मिलकर 235, ये आपका परसेंटेज ऑफ रिस्क आ जाएगा डाउन साइड, तो जिस अमाउंट की कमिंग 11.32%। थर्ड पॉइंट दे आर आस्किंग वकील कन्वर्जन प्रीमियम, प्रीमियम या डिस्काउंट होता है जब हम कंपेयर करके उसको मार्केट प्राइस से, प्रीमियम होता है जब मार्केट प्राइस ग्रेटर होता है, मार्केट प्राइस आपको दिया 265 और कन्वर्जन होता है जो कन्वर्जन वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, मार्केट प्राइस है जो 2650 कन्वर्जन वैल्यू 2400, तो 250 इज अवर कन्वर्जन प्रीमियम, तो आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं प्रीमियम की, फार्मूला आ जाएगा प्रीमियम है 250 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू 2400 इंटू 100, ये आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा जैसे 10.42%। फोर्थ मैंने पूछा आपसे कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड आल्सो इंटरप्राइज का रिजल्ट, सो फोर्थ दे आर आस्किंग वर्किंग कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, पैरिटी प्राइस होता है वट शुड बी प्राइस ऑफ शेयर, सो दैट इसमें हमें प्राइस ऑफ शेयर मिसिंग है प्राइस ऑफ शेयर, सो दैट कन्वर्जन वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू होते हैं नंबर ऑफ शेयर जैसे आपको दिया है 20, प्राइस आपका मिसिंग है इक्वल टू मार्केट प्राइस आपको दिया है 2650, उससे पैरिटी प्राइस आ जाएगा आपका 2650 डिवाइडेड बाई 20, तो जिस प्राइस है कमिंग 2650 डिवाइडेड बाई 20 132.50। उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि जब आपका पैरिटी प्राइस जो है PS जैसे मोर देन करंट मार्केट प्राइस ये है आपका 132.50 ग्रेटर देन करंट प्राइस ऑफ शेयर विच इज 120, क्योंकि जो प्राइस था आपका शेयर का 120 है ये कि लो है, तो उसमें जो कन्वर्जन वैल्यू है आपकी उस केस में कन्वर्जन वैल्यू आपकी कम रह जाएगी मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड से, क्योंकि पैरिटी प्राइस ग्रेटर है, जब कन्वर्जन वैल्यू कम है इट मीन्स कन्वर्टिबल बॉन्ड इज एट प्रीमियम, तो ये प्रीमियम के ऊपर चल रहा है, तो इससे हम डिसीजन लेते हैं जब आपको प्रीमियम मिल रहा है गो नॉट बाय बट वी शुड सेल, इट मीन्स वी शुड सेल कन्वर्टिबल बॉन्ड टू अर्न प्रॉफिट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो नेक्स्ट लेके सही क्वेश्चन नंबर 4 सी पाल टू, सो इन दिस केस आर आस्किंग एक्सप्लेन पिच प्रेजेंटेशन एंड लिस्ट द मेथड्स फॉर अप्रोचिंग ए पिच प्रेजेंटेशन, तो जैसे एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें आपको डिस्कस करना है मीनिंग एंड उसके मेथड्स, तो लेट अस सी, सो पिच प्रेजेंटेशन इज ए ब्रीफ और शॉर्ट प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स विच एक्सप्लेन्स द प्रोस्पेक्ट्स प्रोडक्ट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी that helps the investors to invest in startup business. तो इट मीन्स ये एक मैसेज होता है जो स्टार्टअप बिजनेस में यूज होता है इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करने के लिए अबाउट द वेंचर,
तो इसके मेजर मैचेस कौन से हैं तो ये आप बता सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम देखते हैं ड्यूरिंग फेस टू फेस और ऑनलाइन मीटिंग्स जब होती हैं आपकी, कम्युनिकेशन करना है अपने ऑफ मार्केट साइज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उनके मार्केट में कितनी साइज होगा या कितनी कैपिटलाइजेशन होगी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हम बताते हैं और माइलस्टोन इवेंट्स क्या हैं आपकी, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एक्वायर्ड, जो हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं कोई कॉम्पिटिटिव या मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं इस बिजनेस में, एंड प्रॉफिट क्या है कि बिजनेस मॉडल। तो मेन जो बिजनेस मॉडल है इसमें वो है आपका कोअरन प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ये सिर्फ 4 मार्क्स थ्योरेटिकल है, इट मीन्स यदि आपने सभी मैट्रिक्स या पॉइंट मेंशन किए हैं यू कैन स्कोर द मार्क्स। तो नेक्स्ट के लेके सी क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट। सो जिस क्वेश्चन है जो रिलेटेड विद बिजनेस वैल्यूएशन, तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एक्सेलेंट लिमिटेड रिपोर्टेड ये प्रॉफिट रुपये 154 लाख आफ्टर 30% टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो आपको कंपनी का नाम मेंशन किया है एक्सेलेंट लिमिटेड और आपका ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है पैट एट द रेट ऑफ 30% टैक्स, तो किसी गिवन ₹154 लाख। तो फिगर्स आपके हैं लैक्स में, तो फर्क क्या था आपको लिया है एनालिसिस रिवील गया कि गेयर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है 20 लाख एंड इनकम आल्सो इंक्लूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ 16 लाख एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है विल नॉट अकर इन फ्यूचर। इन एडिशन का रिजल्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसका डिटेल है, सेल्स हैं, मटीरियल कॉस्ट, लेबर एंड फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है रुपीज लैक्स में है। तो यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन दैट कैपिटलाइजेशन रेट इज 40%। तो आपको बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड करेंगे 14% विच इज ऑल कैपिटलाइजेशन रेट। तो आप देखिए तो फर्स्ट पॉइंट में बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस हम VB से शो करते हैं, इसमें हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो फ्यूचर में हम मेंटेन कर सकते हैं प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट होता है हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NOPAT जिसको हम कहते हैं, इसको करेंगे हम कैपिटलाइज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। नॉर्मली ये रिक्वायर्ड रिटर्न होती है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वकील जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो सिंपल ही है ये, तो आपको डाटा लिया है रुपीज लैक्स में, तो हमें पैक दे रखा है इसको पहले बना के PV की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 154 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, सो दिस अमाउंट इज कमिंग 220। अब इसमें आप ऐड बैक कर लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, क्योंकि ये फ्यूचर में अराइज नहीं होगा आपका, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है आपका 20 लैक्स और लेस कर लीजिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इसी गिवन 16। और फिर हम एक फ्यूचर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसका प्रॉफिट आप ऐड कर लीजिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2 फ्रॉम अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसका क्या था आपको दिया है सेल्स हैं और उसमें सारे एक्सपेंसिव कर को माइनस आप सेल्स हैं आपकी 140 लाख माइनस मटीरियल कॉस्ट 40 लेबर 24 ओवरहेड्स हैं आपके 20, उन सबको एडजस्ट करके हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 56। ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे कमिंग 280, उसमें से आप करके टैक्स माइनस एट द रेट ऑफ 30% बैलेंस इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP। तो एक तरीके से ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 280 माइनस 30% 196। अब इसको कैपिटलाइज कर रखें उससे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट के जो रुपीज 196 फिगर्स लैक्स में चल रहे हैं आपके और रिक्वायर कर रहे हैं आपके 14%। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज रुपीज 1400 लैक्स
किसी टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट इन्होंने फिर एक और पूछा है, डिटरमिन द मार्केट प्राइस पर शेयर विद एक्सीलेंट लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ 2 लाख एट 13% प्रेफरेंस शेयर ₹100। अब आपके शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड है एंड 100 लाख इक्विटी शेयर ₹100 कैनी एंड प्राइस एंड रेशियो होगी 12 टाइम इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है पर शेयर का, प्राइस एंड रेशियो आपको दी है तो उसके बेस पे देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इट मीन्स सेकंड पार्ट में तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा ऑफ शेयर, फार्मूला बन जाएगा EPS इनटू प्राइस एंडिंग रेशियो। तो पहले EPS कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए वकील के प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो उसके लिए आपके पास है PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को याद रखी है किसी 196, उसमें से माइनस कर लीजिए आपको प्रेफरेंस डिविडेंड। उनको प्रेफरेंस डिविडेंड का कैपिटल बन रहा है 2 लाख शेयर्स हैं ₹100, 200 लाख उसका डिविडेंड है 13%, विच मीन्स रुपीज 200 लाख इंटू 13% 26 आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। तो रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं सारे, रुपीज आ रहे हैं लैक्स। बैलेंस है प्रॉफिट फॉर इक्विटी, बैलेंस आपका प्रॉफिट है फॉर इक्विटी 170। जैन जो राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी हम ले लेके हैं लैक्स में, आपको दिए 100 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, सो इट इज 100 लाख एंड यू विल गेट EPS। नाउ यू गेट अर्निंग पर शेयर, EPS फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए 1.7। फिर आपको प्राइस अर्निंग रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, PE रेशो, दिस इज 12 टाइम्स, सो यू विल गेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, दिस इज 1.7 इंटू 12, दिस इज रुपीज 20.40। सिंपल क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट मैंने पूछा है बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, देन देयर आस्किंग व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ओनली पर शेयर। नेक्स्ट लेके से क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी इट इज गिवन दैट कंपनी हैज चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, कंपनी है अमाउंट ₹100 लाख में इन्वेस्ट, उसमें 5 म्यूचुअल फंड दिए हैं ABCDE, उनका बीका आपको दिया है और कंपनी ने 100 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं, उसके दो प्लान्स हैं। प्लान वन, इफ कंपनी इन्वेस्ट 20% इन्वेस्टमेंट इन ईच होगा फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड्स ए एंड बी एंड बैलेंस इन इक्विटी अमाउंट्स इन द म्यूचुअल फंड CDE वकी बी का, तो फर्स्ट केस में हमें उनकी परसेंटेज लिए मनी जो आपने इन्वेस्ट करनी है, तो आपको उसका बीका कैलकुलेट करने है पोर्टफोलियो का। सेकेंड प्लान में है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 15% सी में, 15% ए, 10% इन ई, इतनी वेस्ट चेंज हो रहे हैं आपके एंड बैलेंस इन इक्वल अमाउंट्स इन अगर को म्यूचुअल फंड्स है बट विल बी बीका पोर्टफोलियो। फिर आपको पूछा है इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट ए बीका फैक्टर 1 बट विल बी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इन बोथ द प्लान गिवन अबव। तो दो प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, दोनों प्लान में डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हैं, उनका बीका निकालेंगे और उसकी रिटर्न। लेकिन सी टेबल इसी में हम दो प्लान्स बना लेते हैं, तो फर्स्ट लेटर से राइट बताइए जो म्यूचुअल फंड्स आप देखिए कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे जो ए बी सी डी एंड ई, तो म्यूचुअल फंड से आपको बीका दे रखनी है, बीका ऑफ ईच म्यूचुअल फंड गिवन, तो जैसे 1.5, 1, 0.8 यानी कि 2 एंड 7, 0.7। अब लिखें प्लान नंबर 1, इसमें देखिए कितना वेट है आपका, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट है आपका कि कितने परसेंट मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर म्यूचुअल फंड में। हमने इन्वेस्ट किया देखो 20% फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स ए और बी में, जैसे कि 20% मीन्स 0.20, 0.20, तो 20% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड से, इतनी टोटल 40% हो गया, बैलेंस बचा 60%, और जो बैलेंस लगेगा उसको भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर लीजिए, 60 डिवाइड की बैठ रही जिसे 120%, तो सबके वेट्स आपके सेम आ गए।
अब आपने इसका बीटा कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो का उसका फार्मूला बन जाएगा, मतलब जो वेट इनटू बीटा, ये हो किसी बीटा ऑफ ईच म्यूचुअल फंड, बीटा आई भी आप कह सकते हैं, जनवर्टिव फार्मूला ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, उसका फार्मूला है समेशन ऑफ बीटा इनटू वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। यहाँ देखिए आप टोटल वेट आपका बन रहा है किसी जो वन, गेनो गए तो वेट इनको बी का 1.5 इनको पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट टू 16 जिसे जो पॉइंट टू 40 पॉइंट टू 14। सो लेट अस टेक इट्स टोटल, सो 0.5 प्लस 0.56 प्लस 0.14 1.2। इट मीन्स वकी बी का पोर्टफोलियो 1.2 को डिवाइड करके टोटल वेट है 1, सो दिस विल बी अवर फर्स्ट आंसर। सेकंड बनाते हैं प्लान नंबर सेकंड, उसमें भी आपको वेट दे रखी है, तो वेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए बी का से। इसमें आप देखिए इसमें आपको वेट्स मेंशन किए हैं, 15% आपको इन्वेस्ट करना है सी में, तो सी का वेट है आपका 15%। देन 15% इन ए, सो 10% इन ई, टोटल देखो ये बन जाएगा आपका 15 प्लस 15, 30 प्लस 10, 40%, बैलेंस रह गया आपका 60, उसको कर लीजिए इक्वली डिवाइड 30%, यानी मल्टीप्लाई बाय बी का 0.15 इनको 1.5 जिसे जो 0.225, 0.13 इनको 1, 0.15 इनको 0.8, 0.12, 0.3 इनको 2, 0.60, 0.10 इनको जिस 0.07, तो जिसे 1.315, जिस विल बी बी का हेयर आल्सो, जो वेक है आपका टोटल वेक इज 1। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है वकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब आपको ये मार्केट रिटर्न जो है आपकी 12% का है एट बीटा ऑफ 1, तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो आपको देखा गया है मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज 12% एट बीटा इक्वल टू 1, इतनी जगह 1 बीटा है तो आपके रिटर्न है 12%। नाउ व्हाट इज द रिटर्न ऑफ प्लान 1, को आप यूनिटी मेथड अप्लाई कर लीजिए, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इफ बीटा इज 1 रिटर्न इज 12%, और जो हो पोर्टफोलियो का बीटा है 1.2 तो रिटर्न विल बी 14.4%, दिस इज क्वाइट सिंपल। सिमिलरली फॉर प्लान 2, सो इन प्लान 2 आल्सो बट विल बी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इफ बीटा इज 1 रिटर्न इज 12%, इफ बीटा इज 1.315 सो वट विल बी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, दिस इज कमिंग 15.78%, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। सो इन दिस केस गैरासनी स्टेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन ग्रोथ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो आपको मेंशन करने हैं सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें इंडिया में। तो लेट अस सी दिस वन, तो प्रॉब्लम्स इन ग्रोथ सिक्योरिटाइजेशन मेजर प्रॉब्लम्स हैं वेरियस स्टैंप ड्यूटी, टैक्सेशन के इशूज हैं इसमें, अकाउंटिंग में कैसे आपको रिकॉर्ड करना है ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंट सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स की जो है पॉलिसी जो यूनिफॉर्म नहीं है, वेर इज लैक इन एग्रीकल्चर डेट मार्केट एंड इनफेक्टिव फॉर क्लोजर ऑफ लॉज, ये हमारी हैं मेजर प्रॉब्लम्स इन ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन,
तो इसमें देखिए आपको गो कंपनीज मेंशन किया है, लॉन्ग लिमिटेड एंड ए कॉल लिमिटेड। लॉन्ग लिमिटेड एक प्लानिंग टू एक्वायर कॉल लिमिटेड विद द फ्लोइंग डेटा। तो लॉन्ग एंड कॉल दोनों की एक्सपेक्टेड ईपीएस आपको ली है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की गिवन। सो एज पर एन एस्टिमेट कॉल लिमिटेड एक्सपेक्ट टू हैव स्टेडी ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड टू द ट्यून ऑफ 6% पर एनम। जो कॉल लिमिटेड है उसमें ग्रोथ है आपकी 6%। हाउएवर अंडर द न्यू मैनेजमेंट मीन्स आफ्टर मर्जर द ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी एनहांस टू 8% पर एनम विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कॉल की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी 8%। सो यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय लॉन्ग लिमिटेड इफ ₹60 की पेड फॉर ईच शेयर। तो आपने कितनी कॉस्ट पड़ेगी एक्विजिशन की, एक हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं कैश में। इफ एग्री एक्सचेंज रेशो इज 1 share ऑफ लॉन्ग लिमिटेड फॉर एवरी 3 shares ऑफ कॉल लिमिटेड, जबकि हम शेयर इशू करते हैं इसको फॉर परचेज कंसीडरेशन इन लिए ऑफ कैश, व्हाट विल बी द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कैलकुलेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको मार्केट प्राइस लिया है शेयर ऑफ कॉल लिमिटेड और उसकी प्राइसिंग ग्रोथ ली है और एक न्यू ग्रोथ ली है। तो न्यू ग्रोथ के बेस पर हम उसका न्यू प्राइस निकाल सकते हैं आपके मर्जर। तो वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेटेस्ट है डेटा ऑफ कॉल लिमिटेड, इसका देखो हमें लिया है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर जिसको हम कहते हैं D1 और करंट मार्केट प्राइस आपको लिया है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली P0। तो P0 का फार्मूला होता है हमारा D1 अपॉन K माइनस ग्रोथ। इट मीन्स आपको करंट प्राइस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, ग्रोथ भी दिया है प्रेजेंट। तो इट मीन्स आपकी उससे KE डिटर्मिन हो जाएगी। तो पहले हम डिटर्मिन कर रहे हैं KE। तो प्राइस देखो आपको मेंशन किया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है आपका 3 rupees, डाटा चल रहा है रुपीज़ में, और आपको प्राइस दिया है 50 rupees। तो इसमें बुक करके हैं 50 rupees डिविडेंड की 3 KE आपकी मिसिंग है, ग्रोथ है आपकी 6% 0.06, तो इससे आपकी KE आ जाएगी। तो KE इज इक्वल टू 3/50 एंड 0.06 विल गो हेयर 0.06। दिस KE इज कमिंग 12%। अब आपकी KE आ गई है, ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है, तो उससे प्राइस चेंज हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बकरी मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद क्या प्राइस होगा आपका। इट मीन्स ये आ जाएगा प्राइस आफ्टर मर्जर लेके से P1, फार्मूला है D1/KE-ग्रोथ। D1 देखो सेम है आपका 3 rupees, KE है 12%। अब ग्रोथ हो गई है आपके 8% 0.08, तो 3/0.04, जिससे आपका प्राइस आ जाएगा रुपीज जैसे 3/4% 75। तो पहले को ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, अब देखते हैं सभी फर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हैं। तो बच्चे वैल्यू ऑफ लॉन्ग लिमिटेड, वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी की, जिसे कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसका फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको जैसे दिए हैं लैक्स में दिए हैं 30 lakh 18 lakh, तो आप डेटा ले लेते हैं रुपीज लैक्स में। सो वैल्यू ऑफ लॉन्ग लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं 30 lakh एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन ₹180, तो दिस विल बी रुपीज 5400 lakh, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बाकी वैल्यू ऑफ कॉल लिमिटेड ये हम ले रहे हैं प्राइजिंग वैल्यू कितनी है इसकी, मीन्स बिफोर मर्जर। सेम फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं इसके 18 lakh और प्राइस आपको दिए हैं 50 rupees, सो दिस इज कमिंग टू बी 900 lakhs। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कॉल लिमिटेड आफ्टर मर्जर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू कॉल लिमिटेड आफ्टर मर्जर, वैल्यू ऑफ कॉल जिसे कि आफ्टर मर्जर। तो आफ्टर मर्जर आप देखेंगे अब प्राइस हो गया ऐसा 75 rupees,
इट मीन दिस वैल्यू विल बी 18 × 75 रुपीज 1350। ये सारे फिगर्स आपके आ गए लैक्स में। एंड वट विल बी वैल्यू ऑफ मर्ग टू फर्म, वट इज वैल्यू ऑफ लॉन्ग एंड टॉल। ये है मर्ग टू फर्म, दोनों को कंबाइन कर दिया आपने। तो गैट विल बी वैल्यू ऑफ लॉन्ग प्लस वैल्यू ऑफ टॉल, दिस इज आफ्टर मर्जर। तो दिस इज कमिंग 5400 lakhs प्लस 1350। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी रुपीज 6750 lakhs। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो जो उन्होंने पूछा है आपसे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है वट इज कॉस्ट टू एक्विजिशन बाय लॉन्ग लिमिटेड इफ रुपीज 60 पेड फॉर ईच शेयर ऑफ टॉल लिमिटेड। तो नंबर वन, वट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टू लॉन्ग लिमिटेड कॉस्ट होती है जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं, प्राइस पेड इसको हम बार्गेन प्राइस भी कहते हैं, पर के कंसीडरेशन भी कहते हैं, माइनस वैल्यू जो आपने एक्वायर की है, वैल्यू एक्वायर्ड। क्योंकि अब हम पे कर रहे हैं उनको रुपीज 60 पर शेयर इन कैश, उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 18 lakh, और उसकी कितनी वैल्यू है कॉल लिमिटेड की जो आपने एक्वायर की है वो है 900 lakh। तो डिफरेंस आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो जिसे कि 60 × 18 माइनस 900 रुपीज 180 lakh, दिस विल बी अवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट गेयर आस्किंग सेकंड में देखो मेंशन किया है एग्रीड एक्सचेंज रेशो की 1 share ऑफ लॉन्ग फॉर एवरी 3 share ऑफ कॉल, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेशो ER। ये है हम 1 share इशू कर रहे हैं फॉर एवरी 3 share, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसका नाम होता है ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका ये फार्मूला बनाते हैं कि जो टोटल शेयर्स बनेंगे आफ्टर मर्जर उसमें कितना राइट मिलेगा टॉल लिमिटेड मीन जो हम टारगेट फर्म है, उसका फार्मूला है एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टॉल अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ लॉन्ग लिमिटेड प्लस जितने शेयर आप ये होते हैं जितने शेयर हम टॉल लिमिटेड को इशू कर रहे हैं एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टॉल। ये टोटल शेयर बन जाएंगे आपके मर के, ये शेयर हमने जो कॉल को लिए हैं तो ये इसका बन जाएगा प्रपोर्शनल राइट कितना है नए शेयर्स में, तो ये इसके बेस पे उसको मिलेगी वैल्यू। अब वैल्यू कौन सी लेंगे जो मर्ग की फर्म की निकाली है, वैल्यू ऑफ लॉन्ग एंड कॉल। तो इनडायरेक्टली हमने इस वैल्यू का इतना प्रपोर्शन हमने टारगेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया है और माइनस कर दो वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी कॉल लिमिटेड जो वैल्यू हमने एक्वायर की है वो पुक करते हैं इसमें। दिस रेशो ही जो 1/3 उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 18, नंबर ऑफ शेयर लॉन्ग 30 प्लस 1/3 × 18 जो टोटल वैल्यू निकाली हमने आफ्टर मर्जर वो है 6750 lakhs माइनस वैल्यू कॉल थी पहले 900 lakhs। इट मीन्स कॉल लिमिटेड को प्रपोर्शनल राइट मिलेगा नई फर्म में, तो किसी की 6/36 × 6750 माइनस 900 ये जो 1/6 सो 6750 डिवाइडेड बाई 6 11.25 माइनस 900। अब आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 225 lakhs। ये आपका है सेकंड आंसर जब हमने शेयर इशू किए हैं और उसके थ्रू कितनी कॉस्ट बनती है। अब थर्ड उन्होंने पूछा गेन कितना हो रहा है एक्विजिशन से, तो नंबर थर्ड ये आर आस्किंग गेन फ्रॉम एक्विजिशन। इसमें हम एक को कैलकुलेट करेंगे पहले टोटल गेन कितना है आपका, टोटल गेन फ्रॉम मर्जर इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ लॉन्ग एंड कॉल आफ्टर मर्जर माइनस वैल्यू ऑफ लॉन्ग प्लस वैल्यू ऑफ कॉल बिफोर मर्जर। ये आपने कैलकुलेट किया है 6750
-21/5400 और वैल्यू ऑफ कॉल थी पहले बिफोर मार्केट 9600 6300 किसी कमिंग ₹450,00,000। ये आपका टोटल गेन है। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है नेट गेन कितना हो रहा है आफ्टर मर्जर। वी कैन आल्सो कैलकुलेट नेट गेन आफ्टर मर्जर। ये हो रहा है टू लॉन्ग लिमिटेड को जो एक्वायरिंग फर्म है टू लॉन्ग लिमिटेड किसी इक्वल टू टोटल गेन जो आपको हो रहा है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से आप कॉस्ट लेस कर लीजिए। अब हमने कॉस्ट को कैलकुलेट किए हैं दो तरीके से कैलकुलेट किए हैं। अब इसमें गो केस बन के हैं। नंबर वन, देख लिया आपने उनको बार्गेनिंग प्राइस पे किया था कैश में, तो फर्स्ट केस था प्राइस पेड इन कैश। तो फर्स्ट केस है प्राइस पेड इन कैश। तो अब इसमें देखिए नेट गेन कितना होगा आपको, इसका फॉर्मूला है टोटल गेन ₹450,00,000 और इसमें जो कितनी कॉस्ट थी हमारी एक्विजिशन की। फर्स्ट केस में हमने कॉस्ट निकाली थी इसमें जिस बार जो 180, तो इट मीन्स हमारा नेट गेन आ जाएगा किसी की 270,00,000 रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। फिर हमने सेकंड किया था जब आप प्राइस पे कर रहे हैं बाई इशू ऑफ शेयर्स, सो प्राइस पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। उस केस में आपका नेट गेन बन जाए, टोटल गेन सेम है आपका 450, पर इस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही थी 225, तो इट मीन्स नेट गेन आ जाएगा आपका ₹225 इसी नेट गेन। जिसका जो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मर्जर। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। जिस क्वेश्चन की बेस्ड ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसमें देखिए आपको मेंशन किया है एसके लिमिटेड है जो सरप्लस कैश और ₹150,00,000 एंड इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ इट टू शेयर होल्डर्स एंड फॉर किस पर्पज द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक शेयर्स। इट मीन्स कितना कैश है इस कंपनी के पास जो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बायबैक जैसे इक्वल टू रुपीज 150,00,000 इंटू 30% रुपीज 45,00,000। तो इतना अमाउंट हम पे करना चाहते हैं थ्रू बायबैक। कंपनी एस्टिमेट्स दैट शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक इज लाइकली टू बी 15% अबव द बायबैक प्राइस। तो जिस प्राइस पर हम शेयर बायबैक करेंगे और उसके बाद जो मार्केट प्राइस होगा आफ्टर बायबैक वो आपका 15% ज़्यादा होगा बायबैक प्राइस से। नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन है प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट दिए नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इसको हम गिनो करते हैं एंड नोट जिसे जो 15,00,000 ये भी आपको लैक्स में दिए हैं एंड करंट EPS है आपकी ₹4, करंट EPS ₹4 मीन्स अर्निंग पर शेयर। सो यू आर रिक्वायर टू डिटरमिन द प्राइस है बी के शेयर कैन बी बोट बैग इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी ₹400,00,000 आफ्टर बाय बैग। तो आफ्टर बाय बैग आपको मार्केट वैल्यू भी है, तो आपको यूं करना पड़ेगा लेट बाय बैग प्राइस वो किसी की ए वो फिल भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक, उसको हम कहते हैं एक्स बायबैक प्राइस। इट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक। अब ये आपको मेंशन किया है इट विल बी 15% मोर देन बायबैक प्राइस, तो इसमें 15% ऐड कर रखे हैं 1.15A। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट विल बी मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक। इसका फार्मूला बन जाएगा
नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक इनटू एक्स बायबैक प्राइस, वो क्या नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक इनटू एक्स बायबैक प्राइस। कितने शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है वो हम गैस का एल से शो करेंगे। ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन बी बोट बैक बाय कंपनी। इसका फार्मूला बन जाएगा, कंपनी ने टोटल अमाउंट पे करना है 45 लाख, उसको डिवाइड करके वो बायबैक प्राइस से वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। दिस इज यू रुपीज 45 लाख डिवाइडेड बाई ए। अब कैलकुलेट करके हैं मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक, उसका फार्मूला बना के वो फिगर्स हम ले रहे हैं लैक्स में, रुपी हैं या नंबर हैं आपके। अब देखो नंबर ऑफ शेयर प्राइसिंग कितनी है 15 लाख माइनस जो बायबैक करेगी कंपनी 45/A, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्स बायबैक प्राइस वो है आपका 1.15A, दिस विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ योर बायबैक एंड इट शुड बी इक्वल टू 400 लाख। इसको सोल्व करके आपका ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इनको गेस करेंगे 15 × 1.15, तो दिस इज कमिंग 17.25A। तो दिस इनको गेस कीजिए, ए से कैंसिल हो जाएगा 45 × 1.15, तो दिस इज कमिंग 51.75 इक्वल टू 400। Now you can calculate the value of A. So this will be added here. 451.75 divided by 17.25. So 451.75 divided by 17.25. So this is coming to be 26.18824. ये आपका रुपीज में आ गया प्राइस। एक है आपका बायबैक प्राइस, उसकी वैल्यू आ गई आपकी। तो फर्स्ट आपको यही कैलकुलेट करना था प्राइस है कि शेयर कैन बी बोट। ये था आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड दे रहा है नंबर ऑफ शेयर गैट कैन बी बोट बैक, अब वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स बोट बैक, इसको हमने गैट का आंसर शो किया था और इसकी वैल्यू थी ₹45 लाख और उसको डिवाइड कर लीजिए बायबैक प्राइस से 26.18824। ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो हम बायबैक कर रहे हैं। तो दिस मनी की कमिंग होगी 171.831.8, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 171.832 शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट देयर आस्किंग द इम्पैक्ट टू किस बायबैक ऑन EPS है जो मीन जैके नेट इनकम रिमेन सेम, इनकम सेम है आपकी टोटल, तो वट विल बी अवर EPS आफ्टर बायबैक। इट मीन्स थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट EPS आफ्टर बायबैक। अब देखिए आपकी करंट इनकम कितनी है, प्राइजिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 15 लाख और उसके ऊपर आपको अर्निंग पर शेयर दे रखी है किसी ₹4। ये बन जाएगा टोटल प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ शेयर रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। टोटल शेयर हैं आपके 15 लाख, उसमें से जितने बायबैक हो गए वो माइनस हो जाएंगे 171.832। तो किसी की 60 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शेयर्स आ रहे 13,28,168। तो नाउ यू गेट EPS आफ्टर बायबैक, तो जिसे कमिंग रुपीज 4.5171। इट मीन्स EPS आपके इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर बायबैक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6C पार्ट, जिस रिलेटेड थ्योरी लेट अस सी। सो इन दिस केस देयर आर टू ऑप्शंस, फर्स्ट मनी की डिफाइन इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन स्टेक से प्रिंसिपल फीचर्स है। देन सेकेंड ऑप्शन है कि डिस्क्राइब ट्रैकिंग एरर लिस्ट का रीजन फॉर एक, एक में से किसी के करेक्टली बेस्ड क्वेश्चन लेके से वन बाय वन। तो पहले देखते हैं वकील के इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन, सो इट इज एन ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप।
इट मीन्स इसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट करके हैं जैको वी विल एंकर इनको इनका शेयर स्वैप इन फ्यूचर टाइम पीरियड, और ये को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इट गिव्स द होल्डर अ राइट टू एंकर इनको इंटरेस्ट रेट स्वैप एट ए स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। तो इसमें आपको राइट मिल रखा है कि आप इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर कर सकते हैं फ्यूचर टाइम पीरियड में एट ए फिक्स रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका फिक्स होगा, एंड फॉर अप फ्रंट फी, तो कुछ प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है जिसको फीस कहते हैं हम। तो एक हैज द बायर अगेंस्ट डाउन साइड रिस्क, तो इसलिए आपको लगता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसी में एक सेकेंड ऑप्शन भी है उन्होंने, ट्रैकिंग एरर, ये म्यूचुअल फंड में यूज होती है बाय फंड मैनेजर से। तो एक डेविएशन मीन्स डिफरेंस ऑफ ए फंड्स रिटर्न विद बेंच मार्क और इंडेक्स रिटर्न, क्योंकि म्यूचुअल फंड की रिटर्न है उसको कंपेयर करके हैं, जैसे मार्केट का सेंसेक्स है निफ्टी है उसकी रिटर्न कितनी है, उनका लेते हैं डिफरेंस, उस डिफरेंस का फिर हम निकालते हैं स्टैंगल डेविएशन, उसका नाम है ट्रैकिंग एरर। तो इसमें देखो बी क्या है डिफरेंशियल रिटर्न, फिर उसका करोगे एवरेज डिफरेंशियल रिटर्न बी, फिर आपकी डेविएशन आ गई बी माइनस एवरेज रिटर्न, उसका कर लीजिए समेशन वाइज एन माइनस वन अंडर रूट, ये बन जाता है स्टैंगल डेविएशन, उसको नाम दिया ट्रैकिंग एरर। ये नियर टू जीरो होनी चाहिए, इतनी बेटर है, बेटर में जीरो का मतलब है कि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। उसके रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी एग्जिस्ट करती हैं, फीस चार्ज करती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फंड एक्सपेंसिव होते हैं, कैश में कुछ हम होल्ड करते हैं क्योंकि 100% मनी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, और सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें बायसनेस हो सकती है। ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो भी एग्जामिनेशन में आए थे आपके 2021 में SFM से रिलेटेड। आपको वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।